दिवाली के नजदीक आते ही शहर के प्रमुख बाजारों में भीड़ बेकाबू हो गई है। भीड़ की वजह से कोविड संक्रमण का खतरा भी बढ़ गया है, क्योंकि नियमों की खुलेआम अनदेखी हो रही है। बेकाबू भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मनपा आयुक्त राधाकृष्ण बी ने सोमवार को दिन भर मंथन कर उससे निपटने का खाका तैयार किया। इसमें भीड़ पर लगाम लगाने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई, साथ ही भारी जुर्माने का प्रावधान भी किया गया। सप्ताह भर तक पूरी कड़ाई बरती जाएगी। दिवाली की वजह से सीताबर्डी, गांधीबाग, इतवारी, महाल, कोकुलपेट, जरीपटका सहित अन्य बाजारों में लोगों की भीड़ जुट रही है। अधिकांश लोग बिना मास्क, बिना सुरक्षित दूरी के घूमते नजर आ रहे हैं। इसी वजह से अब मनपा प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई का निर्णय लिया है। दुकानदारों को नियम का पालन करना होगा। पहली बार नियम तोड़ने पर दुकानदार पर 5,000, दूसरी बार 8,000 और तीसरी मरतबा नियम तोड़ने पर 10,000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। इसके अलावा नियमों की अनदेखी करने पर संबंधित दुकानदार, स्थापना मालिक पर फौजदारी मामला दर्ज किया जाएगा। दुकान बंद करने, लाइसेंस रद्द करने तक की कार्रवाई भी हो सकती है। इस संदर्भ में मनपा आयुक्त ने आदेश जारी किए हैं। आदेश पर अमल की जिम्मेदारी मनपा के न्यूसेंस डिटेक्शन स्क्वाड, अतिक्रमण उन्मूलन दस्ते, स्वच्छता निरीक्षक, मुख्य स्वच्छता अधिकारी व संबंधित जोन के सहायक आयुक्त व वरिष्ठ अधिकारी, जोन कार्यालय के अधिकारी, पुलिस उप निरीक्षक व उनसे वरिष्ठ अधिकारी को कार्रवाई के लिए अधिकृत किया गया है। आदेश पर अमल के लिए मनपा आयुक्त राधाकृष्ण बी ने पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार को पत्र दिया है। आज हुई बैठक में मनपा आयुक्त ने पुलिस को आदेश दिया कि मुख्य बाजारों में भीड़ न हो, प्रमुख बाजारों में पुलिस की अतिरिक्त तैनाती की जाए, वाहनों के प्रवेश पर रोक लगे, बैरिगेटिंग का कड़ाई से पालन कराए। नमस्कार, मैं राधाकृष्णन, मनपा आयुक्त नागपूर बोलतो। आता दिवाळीच्या सणाचा कालावधी जवळ आलेले, या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक व्यक्ती घरातून परचेस करायला बाजार वगैरे येतात। प्रत्येक बाजारामध्ये मोठ्या प्रमाणात गर्दी आपल्याला आढळते। याकरिता मी एक महत्त्वाचा संदेश देण्या इच्छितो, जो प्रत्येक व्यक्ती घरातून बाहेर पडताना आवश्यक असेल तरच जावी आणि कमीत कमी लोक बाहेर पडावी। आणि खास करून आपल्याकडचं जे जुने बाजार आहे, बर्डी आहे, इतवारी आहे, सक्करदारा आहे, अशा प्रकारचा गांधीबाग आहे, अशी बाजारामध्ये वगैरे काही ठिकाणी खूप मोठ्या प्रमाणे गर्दी आढळते। त्या ठिकाणी आपण आता प्रशासनाच्या वतीने आपण व्हेकल फ्री झोन करतो, ठराविक कालावधीमध्ये कंप्लीट पेडिस्ट्रियन झोन कन्वर्ट करतो। त्यामुळे तिथे जाताना प्रॉपर नियोजनपूर्वक जाणे अपेक्षित आहे। या व्यतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ती मास्क घातल्याशिवाय बाहेर पडू नये। मास्क वापरणे आपल्या स्वतःच्या सुरक्षा आणि दुसऱ्यांना पण सुरक्षा देण्यासाठी महत्त्वाचं आहे। आणि ज्या ठिकाणी खूप गर्दी आहे तिथे जाणे टाळावी। सोशल डिस्टन्सिंग आणि मास्क घालणे हे दोन्ही फार महत्त्वाचे आहे। आणि वैयक्तिक स्वच्छता, हँड वॉशिंग करणेसुद्धा इम्पॉर्टंट आहे। या तिन्ही गोष्टी आपण त्रिसूत्री जर आपण या सणाच्या कालावधीमध्ये प्रत्येक व्यक्ती आपल्या स्वतःच्या जबाबदारी म्हणून आपण पाळले, नक्की आपण या कोरोनाच्या प्रादुर्भावामधून आपण प्रत्येकांना स्वतःला वाचवू शकतो आणि एकंदरीत आपला शहराचा वाचवू शकतो। याकरिता मी प्रत्येक नागरिकांना, दुकानदारांना, व्यापाऱ्यांना आणि हॉकर्सना सर्वांना मी आवाहन करतो, प्रत्येकाने मास्क घालणे बंधनकारक करावी। दुकानदारांनी मास्क घातल्याशिवाय लोकांना दुकानामध्ये येऊ देऊ नये, कोणत्याही व्यक्तींना। त्याच पद्धतीने प्रत्येक दुकानाच्या जे क्षमताप्रमाणे लोकांना आतमध्ये सोडावी, ज्या दुकानामध्ये क्षमतापेक्षा जास्त लोक असतात त्यांना बाहेर वेट करायची व्यवस्था करावी। आणि कुठलीही परिस्थितीत अशी गर्दी एका ठिकाणी जमवण्यासाठी आपण वाव देऊ नये। अशा प्रकारचं आपण सर्व एकत्रित राहून या सणाच्या कालावधी आपण काढूया। आणि सर्व नागरिकांना मी या निमित्ताने दिवाळीच्या शुभेच्छा व्यक्त करतो। धन्यवाद।